नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA और फिर NRC, इन दोनों का नाम सुनकर कागज ना दिखाने का दावा करने वाले, उत्तर प्रदेश में शांति भंग करने वाले प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई लोग जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, तो वहीं कई लोग जो साथ में तो थे लेकिन बच गए, या फिर कुछ यूं कहें कि शांति दूत बन गए, उन्हीं में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पनप रहे प्रदर्शनकारियों का भी है, जिन्होंने CAA और NRC के नामों पर ना जाने क्या क्या किया। लेकिन अब इन्हीं लोगों के साथ सभी MU के छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का आदेश दे दिया गया है। आदेश मिलते ही एक बार फिर से इस समूह ने विरोध किया और MU प्रशासन से फैसला वापस लेने को कहा और प्रशासन के सामने अपनी मर्जी चलाने के लिए आग दिखाई। लेकिन इस बार इन लोगों की एक भी ना चली, क्योंकि ये फैसला प्रदेश में योगी सरकार के आदेशों को देखते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव अब्दुल हमी ने लिया था। अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने और घर लौटने का आदेश दिया। MU के शीर्ष अधिकारियों की बृहस्पतिवार को ऑनलाइन माध्यम से हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलसचिव अब्दुल हमीद के विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करने का आदेश जारी किया। MU प्रशासन के इस फैसले पर छात्र नेता ने कड़ी आपत्ति जताई। MU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि लॉकडाउन के समय बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न छात्रावासों में रह रहे हैं। छात्रावास में रहकर ये छात्र अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने में सक्षम हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र घर से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संचार नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी। तो वहीं कोरोना संकट को देखते हुए अपने फैसले पर अडिग MU प्रशासन ने घोषणा की कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को माता पिता को पत्र भेजा जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका बच्चा घर पहुंच गया है। महामारी के मद्देनज़र छात्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है, छात्र अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। अब इस फैसले से भी कई लोगों ने राजनीतिक एंगल ढूंढ लिया और CM योगी से लेकर PM मोदी के बारे में सोचने लगे कहीं इसके पीछे उनका हाथ तो नहीं है, जबकि बात उनके ही भलाई की है। कोरोना संकट के समय में घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करना, जैसा कि अन्य विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं, ताकि जीवन बचा रहे। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। VK News UP, धन्यवाद।